वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम फ्रंटियर पॉइंट्स पढ़ेंगे किसी सेट के। देखिए, अगर x को मटाओ, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए हम एक सबसेट दिया हुआ है x का, तो स्पेस का हमारे पास कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम कहेंगे कि जो ये हमारे पास पॉइंट है वो एक फ्रंटियर पॉइंट है हमारा ऑफ ए सेट का, इफ एंड ओनली इफ। फ्रंटियर पॉइंट्स हम उन पॉइंट्स को बोलते हैं जो कि उस सेट के ना तो इंटीरियर पॉइंट्स हों ना ही वो उनके एक्सटीरियर पॉइंट्स हों। दैट इज इफ एंड ओनली इफ एक्स जो है हमारे पास इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट एंड एक्स जो हमारे पास इज अगेन नॉट अ एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं, उनके फ्रंटियर पॉइंट्स कहते हैं हम ऐसे पॉइंट्स को। अगर हम इन फ्रंटियर पॉइंट्स की जितने भी पॉइंट्स हैं अगर उनकी कलेक्शन कर लेते हैं तो उसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से, दैट इज़ द फ्रंटियर ऑफ ए। तो बाय डेफिनेशन तो ये हमारे पास किसके इक्वल होंगे, अगर हमारे पास स्पेस है पूरी की पूरी, उस स्पेस में से हम क्या करें उसके इंटीरियर पॉइंट्स और उसके एक्सटीरियर पॉइंट्स को क्या कर दें रिमूव, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फ्रंटियर पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूनियन जो हमारे पास ए सेट एक्सटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर के। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, सारे के सारे उसके फ्रंटियर पॉइंट्स आ जाएंगे। और हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है, उसे हम बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट, कि कोई भी ऐसा पॉइंट है वो सेट का बाउंड्री पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, तो जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, वो एक तरह का फ्रंटियर पॉइंट ही होता है ऑफ, इसे हम ऐसे कह सकते हैं, हमारे पास एक ऐसा फ्रंटियर पॉइंट, कोई भी हमारे पास एक फ्रंटियर पॉइंट है इज़ कॉल्ड, हम उसे कहेंगे कि जो ये हमारे पास पॉइंट है इज़ कॉल्ड अ बाउंड्री पॉइंट। इफ एंड ओनली इफ, अगर वो हमारे उस सेट में ही बिलोंग कर रहा है, मतलब कि जब हम फ्रंटियर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं उनमें से हम क्या करते हैं, उस सेट में ही कोई अगर एलिमेंट है तो उसको हम बोल देंगे उसका एक बाउंड्री पॉइंट होता है। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से, दैट इज़ द बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। अब कुछ इसके रिलेटेड हम एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको अच्छे से, अब हम फ्रंटियर पॉइंट्स को बाउंड्री पॉइंट्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स और टाउ हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन की है और ए हमने एक सेट लिया है कोमा बी। अब इस सेट के हमें जो हमारे फ्रंटियर पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स निकालेंगे, तो फ्रंटियर पॉइंट निकालने से पहले सबसे पहले हम इसके इंटीरियर पॉइंट्स निकालते हैं। तो देखिए, इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे, इसके सबसेट ले लीजिए, इस सेट के जितने भी सबसेट्स हैं जो ओपन हैं, तो हमें सिर्फ एक ही सेट मिल रहा है, तो इट मीन्स इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बी ही हो सकता है, क्योंकि ए के लिए हमारे पास कोई ऐसी नेबरहुड नहीं है जो इसमें कंटेन कर जाए, टॉप ओपन सेट नहीं है जो इसमें कंटेन कर जाए, तो ए का इंटीरियर ए बन जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए की, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी ई के इंटीरियर से। अब हमने इस सेट का इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, इसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले सी की बात करते हैं। सी के लिए हमारे पास एक ये सेट पड़ा है जो हमारा इस पॉइंट में कंटेंड हो रहा है, तो इट मीन सी इसका एक इंटीरियर पॉइंट है। उसी तरह से डी भी हमारे पास इस सेट का एक इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, ई हमारे पास इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ई के लिए सिर्फ हमें जो ओपन सेट है वो एक्स है, वो इसमें कंटेंड नहीं होगा, तो इट मीन्स जो एक्सटीरियर पॉइंट है हमारे पास इस सेट के वो हमें मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सी एंड डी।
तो अब हम बात करते हैं इसके फ्रंटियर पॉइंट्स की। देखिए फ्रंटियर पॉइंट्स में हमने क्या करना होता है, उस स्पेस में से हमने क्या करना है, उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट को क्या कर देते हैं, रिमूव। तो देखिए स्पेस में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई पॉइंट्स हैं, और उसमें से हम अब रिमूव करने जा रहे हैं, ए इंटीरियर में हमारे पास बी पड़ा है और एक्सटीरियर में सी और डी पड़ा है। तो बी सी डी को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे ए और ई। तो इट मीन्स फ्रंटियर पॉइंट्स जो हैं हमारे पास इस सेट के, वो हमें ए और ई मिल जाएंगे। तो उसके बाद अब हम निकालते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। तो बाउंड्री पॉइंट्स के लिए देखिए, अब फ्रंटियर पॉइंट्स में जो ऐसे पॉइंट हैं जो खुद ए के ही मेंबर हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, उसके बाउंड्री पॉइंट्स। देखिए ए पॉइंट है जो हमारे पास ए सेट में पड़ा है, तो इट मीन्स इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास ये बन जाएंगे। अब हम एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेते हैं। देखिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी में देखते हैं कि अगर हमारे पास ए, हम कोई सबसेट लेते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी का, तो उसके फ्रंटियर पॉइंट कैसे होंगे। हमें किया था, हमने पहले भी बहुत बारी कर चुके हैं कि अगर ये कोई सबसेट लेते हैं हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, दैट इज़ उसमें टाओ में सारे के सारा पावर सेट पड़ा है, तो उसका इंटीरियर फाइंड करते हैं तो वो खुद ए के इक्वल हो जाता है। दैट इज़ उसमें हर एक सेट क्या होता है, ओपन सेट होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। उसी तरह से हम अगर हम एक्सटीरियर पॉइंट निकालेंगे ए के, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर के, दैट इज़ जो एक कॉम्प्लीमेंट है गया उसका इंटीरियर, और इसमें इंटीरियर सेट किसके इक्वल हो जाता है, सेट के, तो ये बन जाएगा। अब बात करते हैं हम उसके फ्रंटियर की। तो फ्रंटियर में हमने क्या करना है, उसके स्पेस में से उस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स को क्या करना है, रिमूव। तो देखिए इंटीरियर पॉइंट खुद ए बन जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट उसका एक कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम ए सेट को उसकी यूनियन करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, हमें ये मिलेगा। तो इट मीन्स डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास अगर कोई भी सेट हम लेते हैं तो उसका फ्रंटियर सेट क्या होता है, एम्प्टी होता है। अगर उसका फ्रंटियर सेट एम्प्टी है तो जो बाउंड्री पॉइंट्स का सेट होगा वो भी तो एम्प्टी होगा। फाइन, तो ये थे हमारे पास फ्रंटियर पॉइंट। तो आगे हमारे पास फ्रंटियर पॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। तो मोस्टली दो या तीन लेक्चर्स में हम जो हमारा ये फ्रंटियर पॉइंट्स का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा हमारा, और ये पूरा टॉपिक है जो इंटीरियर एक्सटीरियर का सभी ख़त्म हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। उस लेक्चर के बाद जो है हमारे पास अब कॉन्टीन्यूटी शुरू करेंगे हम।